सर मैं विक्रम सिंह, आज 3 फरवरी है और आज बिहार बोर्ड का एग्जाम हुआ है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पेपर भेजे हैं व्हाट्सएप से, तो मैं वो व्हाट्सएप का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं। और वो प्रश्न को, इन प्रश्नों को आप एक बार देखो, जो बच्चे बिहार के बाहर हैं और जो बिहार से भी हैं, तो अपना क्वेश्चन पेपर देखें और ये तय करें कि ये क्वेश्चन पेपर आपसे बन जाएगा कि नहीं, और कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपके लिए न्यू लग रहे हैं, वो उन क्वेश्चंस के बारे में भी आपको सोचना है। और दूसरा काम ये करना है कि इन प्रश्नों को सॉल्व करके मुझे बताएंगे आप लोग जिनका बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं है, और ये भी देखें कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास आते हैं तो कितने परसेंटेज आप गेन कर सकते हैं। तो मैं ओनली क्वेश्चन बताऊंगा, उनका सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ताकि आप एक बार प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन देखें, बिल्कुल एकदम क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देगा क्योंकि पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आई हुई है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, तो चलें देखें। ये आगे पीछे मिलेगा क्वेश्चंस, नंबर सीरियल वाइज नहीं मिलेगा क्योंकि वो फोटो जो है आगे पीछे है, तो कम टाइम है हमारे पास, तो हमने कहा कि आगे पीछे भी होगा चलेगा, क्वेश्चन कम से कम आप देख लें। तो चलो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, एक क्वेश्चन हुआ, जो बन जाएगा नहीं बनेगा आप तय करिएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स 2+1 मार्क्स का है, 2+1+2, यानी कि पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, सेकंड 1 और थर्ड जो है 2 मार्क्स का है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, अमोनिया की तुलना में फॉस्फिन का क्वथनांक कम होता है क्यों। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि SiF6-2 ज्ञात है परंतु SiCl6-2 नहीं, क्यों। ये 3 क्वेश्चन है जो 5 नंबर का है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिर्फ क्वेश्चन देखते जाएंगे बेटा, किसी क्वेश्चन को आपको नोट करना है तो पॉज करके आप नोट कर लें, इसीलिए वीडियो आपको अपलोड करके दे रहे हैं, डायरेक्ट लाइव क्लास में नहीं दे रहे हैं। तो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल के बीच अंतर लिखो, मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है वो बताना है। एक क्वेश्चन देखें, यहां पर लिखा हुआ है IUPAC में नाम लिखना, इनका नाम लिख करके देखो क्या बनेगा कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो है ये 1+1 मार्क्स का है, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखें, ये देखें फर्स्ट IUPAC नाम वाला क्वेश्चन, देखें नाइट्रोजन किसे 2 बार CH3 जुड़ा हुआ है और 1 बार C2H5 जुड़ा हुआ है। सेकंड में देखें CH3CHBrCONH2 और थर्ड है C2H5OCH3, इनका IUPAC में नाम क्या होगा, उन्हें आप जल्दी से बनाएं और हमें जरूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट है, देखें आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको किसी तरह का भी डाउट आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन्हें सॉल्व कर सकते हैं डाउट मैट से, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी। आप किसी तरह की भी प्रॉब्लम होगा उसे आप डाउट नट ऐप में पूछ सकते हैं, और आप 8400 400 और 400 व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप में आप अपना डाउट भेज सकते हैं और अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है, प्रबलतम भस्म यानी कि क्षार है, निम्न में से कौन सा प्रबलतम क्षार है। फिर उसके इसमें लिखा हुआ है, ए है NH3, बी है CH3NH2, सी है CH3 twice NH और डी है CH3 thrice N। इसमें सबसे प्रबल बेस या क्षार कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर, ये क्या है, ये MCQ है, इसमें आपको एक चुनना है। अगले MCQ देखें, इसमें क्वेश्चन क्या है देखें, अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। पिक्चर एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रही है इसलिए मैं बोल भी रहा हूं, आप उसको सुनते जाएंगे। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक कौन सा है। अब ए लिखा है OH, बी लिखा है COOH, सी लिखा है CHO और डी लिखा है CO। आपको बताना है बेटा, मैं यहां पर आंसर नहीं बता रहा हूं, है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप तय कर सको कि आप इस तरह के क्वेश्चन बना पाओगे कि नहीं, और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम लग रहा है उस क्वेश्चन का नंबर बस लिख देना, मैं उसका आंसर यहां पर आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें एनिलिन में पाई
बॉन्डो की संख्या बताना है। ए है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। आपको इसको ढूंढ के बताना है। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है नीचे, ये देखेंगे N3CR, दिख रहा है क्वेश्चन, N3CR C2O4 थ्राइस में CR की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो इनका आंसर आपको देना है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान है, बस आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन है, यहां पर आगे पीछे सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे फाइल आते जा रही है मैं आपको बताते जा रहा हूं ना, ध्यान दीजिएगा। लिखा है आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व है। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा इनमें से कौन सा एलिमेंट है। ए है सल्फर, बी है सोडियम, सी है लोहा और डी है नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा, इसको अरेंज करके हम लिख के आपको दे सकते थे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपको ऐसा लगेगा कि यहां पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है इसको देखने में समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं आपको इसका अच्छे से वीडियो बना सकूं। आप टाइम रहेगा जरूर बनेगा, लेकिन अगर जरूरत रहेगी तब, है ना, नहीं तो इससे काम चल जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो लिखा हुआ है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला मतलब व्हाइट, व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। ए अपरूप यानी कि एलोड्रॉप्स, बी समस्थानिक यानी आइसोटोप, सी संभारिक यानी आइसोबार्स और डी है नन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फिर प्रश्न है, ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र ए H2S2O7, बी H2SO4, सी H2SO3 और डी है H2SO5। तो बताइए इसमें ओलियम का सूत्र कौन सा है, ओलियम का फॉर्मूला क्या है। चलिए क्वेश्चन ही क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपको, हां ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, MCQ बहुत सारे आते हैं इसमें बिहार बोर्ड में, और आपके में भी आते हो तो आप बिल्कुल देखिएगा, नहीं आते हो तो कम से कम जानकारी में आपके पास होना चाहिए ताकि आप बेहतर कर सकें। अगला क्वेश्चन है, अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में कौन सी ऐसी चीजें इनमें से जो दिया गया है वो निकल सकते हैं। ए है विलेय के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बी विलायक के अणु सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सी जटिल आयन कॉम्प्लेक्स आयन और डी है सरल आयन यानी सिंपल आयन। तो इनमें से कौन सा है जो परासरण की क्रिया में निकल जाते हैं, पार कर जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। डी निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। याद रखिएगा यहां पर जो राइट या टिक लगा होगा तो ये सोच के नहीं चलना है कि हमने उनको लगाया, वो स्टूडेंट के द्वारा अपने पेपर से उन्होंने भेजा है और आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका वो आंसर, आपका कौन सा आंसर राइट है आप अपने हिसाब से बताइएगा, इनके आंसर पे आप अपने आप को मत ले जाइएगा, है ना। हो सकता है उनका राइट भी हो या रॉन्ग हो, हम यहां पर कुछ भी नहीं बताएंगे इस बारे में। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से विलयन के लिए कौन अणुसंख्यक गुण है। यहां पर अणुसंख्यक गुण मतलब होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ए परासरण, बी पृष्ठ तनाव, सी चालकता और डी अर्ध आयु। तो इनमें से कौन सा है जो अणुसंख्यक गुण धर्म है। बहुत ही तरीके से इजी बनाया गया इस क्वेश्चन को, तो देख लें आपको याद होगा। हाँ जी, और प्रश्न है, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का इनमें से कौन सा गुण है जो राइट है। ए राउल्ट के नियम का पालन करता है, बी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सी ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। चलो देखें ये बता रहे हैं आदर्श विलयन में कौन सा गुण सही है। अब नेक्स्ट पेज देखें, पेज आगे पीछे है ध्यान रखिएगा। इसमें जैसा व्हाट्सएप आया हुआ है मैं डायरेक्ट पे व्हाट्सएप ओपन करके मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ए ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, बी धनात्मक इलेक्ट्रोड, सी उदासीन इलेक्ट्रोड और डी है इनमें से कोई नहीं। गैल्वेनिक सेल में एनोड कौन सा होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड या नन ऑफ दिस।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? निम्न में से कौन सा धातु है जो अम्ल से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? ए Fe, बी जिंक, सी Cu और डी है Mg। चलो इनके आंसर की बारी आई है तो हम अब जरूर आपको बताएंगे। पहले अभी तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दे रहे हैं और उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए एक बार और इन क्वेश्चन में अपना आंसर दीजिए। आंसर वाला आपको पेपर आपको जरूर बता दिया जाएगा क्या क्वेश्चन आपको है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, फिर हम उनके लिए आंसर देंगे आपको। चलिए कौन सा है फिर क्वेश्चन है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? इनमें से कौन सा कार्बनिक कंपाउंड है जो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा? ए CH3COOH, बी HCOOH, सी CH3CH2COOH और डी है CH3CHOHCOOH। फिर इसके बाद आपको यही कहना है हमें कि बिल्कुल आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाइएगा और जरूर बताइएगा ना। और सबसे बड़ी चीज है जो करना है ये, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी जो बोर्ड के एग्जामिनेशन हो तो उनके पेपर हम एक्सेस करके आपको उस क्वेश्चन को बता सके। और दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ सालों पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको इस तरह के वीडियो बना के दे सकें। लाइक होगा ये करेंगे, आप शेयर करिए अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर ताकि वो भी ये काम कर सके। और आपको बता दें जिन बच्चों ने पढ़ाई किए होंगे हमारे विद्याकुल.com से या हमारे पिन ड्राइव से उनको ये सारी चीजें आसान लग रही होगी और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल से क्लासेस किए हैं उनके लिए भी ये काफी आसान लग रहा होगा अगर उन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई किए होंगे तो। चलें क्वेश्चन नंबर 13 देखें, यहां पे लिखा हुआ है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होगा ए है 0.632 बाई के, बी है 0.683 बाई के और सी है 0.863 बाई के और डी है 0.10 बाई के। यहां पर जो भी है जैसा भी यहां पर दिया गया उस वैल्यू के साथ किनके साथ कौन सा वैल्यू ज्यादा मैच कर रहा है वो आप बताएं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो भी आप देखें। चलिए अब क्वेश्चन है नेक्स्ट पेपर का अगला पेज है ये प्रश्न देखें, ये क्वेश्चन 22 नंबर में है ए, इसमें लिखा हुआ है 3+2 दो क्वेश्चन है, फर्स्ट वाले पे 3 मार्क्स है, सेकंड वाले पे 2 मार्क्स है। तो देखें जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन करना है, जिंक मेटल का एक्सट्रैक्शन करते समय हम किसका करेंगे उसमें जस्ता धातु के निष्कर्षण का हमें यहां पर सिद्धांत बताना है जिंक ब्लेंड से। बी लिखा हुआ है एल्यूमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है, एल्यूमिनियम की आपको रिएक्शन बताना है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ और कैसे करता है वो बताना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 23 नंबर में है कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। फिर क्वेश्चन है 24 डीएनए एवं आरएनए में अंतर बताइए और अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल क्या है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताना है कि ये क्या है। चलो आगे चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ चलें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या आप इसी प्रकार से आसानी से केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं? यदि हाँ तो विद्याकुल.com में आ जाइए, विद्याकुल ऐप में आ जाइए, मेरे सारे वीडियोस वहां पे मिलेंगे। इसके लिए आपको इस नंबर पे डायल करना होगा, यहां पर मिलेगा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, जैसे ज्वाइनिंग करेंगे आपको पूरा का पूरा A to Z क्लास मिल जाएगा। न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, नई वीडियोस बनती जा रही है, नई वीडियो भी उसमें शामिल होती जा रही है, साथ में कंप्लीट नोट्स मिलेगा, डाउट सेशन होगा, आप अपनी क्लास में बेहतर से बेहतर करने के लिए, अपनी अच्छे परफॉर्मेंस देने के लिए आप आए तो आप हमारे विद्याकुल.com में शामिल हो जाइए। निम्नलिखित से क्या लिखा, अणुसंख्यक गुणधर्म है ए परासरण, बी पृष्ठ तनाव, सी चालकता और डी अर्धायु। फिर नीचे देखो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCOOH, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर ऑप्शन लिख देता हूं HCOOH
और दूसरा लिखा है यहां पर CH3COOH, C लिखा हुआ है C2H5COOH, और लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं D में, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहां पर लिखा गया है रवादार ठोस है, यानी यहां पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें ए लिखा हुआ है हीरा यानी कि डायमंड, बी लिखा हुआ है कांच, सी लिखा हुआ है रबर, और डी लिखा हुआ है इनमें से सभी। कांच जो ठोस है, क्रिस्टल सॉलिड कौन सा है, हीरा, कांच, रबर या और इनमें से सभी, क्या होगा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम भस्म यानी कि क्षार है, प्रबलतम भस्म, भस्म, भस्म का मतलब होता है क्षार या बेस, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है, ए NH3, बी CH3NH2, सी, ये क्वेश्चन दोबारा हो चुका है, दोबारा चल रहा है NH, और यहां पर लिखा हुआ है CH3 thrice N। तो कुछ क्वेश्चन इसमें से हो चुके हैं, तो जिनका व्हाट्सएप आया हुआ है व्हाट्सएप से मैं ले रहा हूं, आपको पता है ये बातें, और कुछ क्वेश्चन अगर दोबारा हो गया है तो मैं उनको नहीं बताऊंगा। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नया है, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा तो नहीं लेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन देखो, लिखा है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि ए वहां वायुमंडलीय दाब कम है, सुन रहे हैं ना, मेरी आवाज सुनना है बस आपको, पहाड़ों पर क्या लिखा गया है, जल का क्वथनांक कम होता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, बी वहां पर ताप कम है, सी वहां दाब ज्यादा है, और डी लिखा हुआ है वहां हवा ज्यादा है, किस कारण से वहां क्वथनांक कम होता है, इस पर आपको जवाब देना है जी। चलो ये कुछ क्वेश्चन आप नीचे चलते हैं, ओलियम का सूत्र, ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिर ये बात लिखा हुआ है रवेदार ठोस पदार्थ है ग्रेफाइट और कांच, ये भी हो चुका है आपका। चलिए दो अलग अलग बच्चों ने अपना क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं, और भी बच्चे जो क्वेश्चन पेपर अपना सेंड करना चाहते हैं सेंड कर लें, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे फायदे होते हैं। इस नंबर पर आप करें सेंड करें 9644562030 पर अपना क्वेश्चन पेपर, जिस दिन भी होता है आप बढ़िया अपने दोस्तों के हेल्प के लिए, खुद के हेल्प के लिए आप बिल्कुल उसे सेंड करें, यानी कि व्हाट्सअप करें, क्वेश्चन पेपर को बहुत ही क्लियर आप फोटो खींचें, बहुत अच्छा फोटो खींचें, ताकि इस तरह की परेशानी किसी स्टूडेंट को ना हो। हमने देखा कि काफी बच्चों ने भेजा, लेकिन ज्यादा अच्छे से फोटो इन्हीं का आया हुआ था, तो मैंने इनको आपके सामने रखा है। तो आप फोटो खींचते समय ध्यान रखें कि बढ़िया एकदम क्लियर फोटो खींचें और हमें सेंड करें, ताकि अपने आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड को हम ये क्वेश्चन पेपर दिखा सकें, आपके स्टूडेंट्स को, अगर आप टीचर हैं तो आपके स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पेपर दिखा सकें, और आपका नाम भी बताएंगे। मैंने यहां पर नाम नहीं लिया तो इसके लिए सॉरी आपको, जिसका भी ये पेपर है। चलें, हाँ जी, अगला प्रश्न लिखा हुआ यहां पर ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा सुनेंगे, एकदम क्लियर नजर नहीं आ रहा है। खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उस खनिज को क्या कहा जाता है, ए अयस्क यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ओर, बी बोला गया है गैंग, बी है गैंग, गैंग, सी है स्लैक, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, ए जिंक ब्लेंट, बी कैलामाइन, सी जिंकाइट, और डी है बॉक्साइट। आपको इनमें से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है आपको लगता है वो जवाब देंगे, क्या क्या बोला, ए जिंक ब्लेंट, बी कैलामाइन,
सी जिंकाइट और डी है बॉक्साइट। चलो नेक्स्ट। हाँ जी, ये क्वेश्चन हो चुका है, जो क्वेश्चन नहीं हुआ है वही बताएंगे आपको भी यहां पे दोबारा ना हुआ हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सभी अयस्क खनिज होते हैं, बी सभी अयस्क खनिज होते हैं, बी लिखा हुआ है सभी खनिज अयस्क होते हैं, सी लिखा है सभी क्षार भस्म नहीं है, सभी क्षार भस्म नहीं है, और डी लिखा है इनमें से सभी। तो जो आपको राइट लगता हो आप जवाब दे सकते हैं। फिर प्रश्न है आपके पास, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। ए सक्रिय द्रव्यमान पर, बी अणुभार पर, सी अणुभार पर एक परमाणु भार पर, और डी लिखा हुआ है तुल्यांकीय भार पर। तो यहां पर है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन ए एक्टिव मास, बी मॉलिक्यूलर वेट, सी एटॉमिक वेट, और डी लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट। तो आप जो जवाब दे सकते हैं चलें, यह क्वेश्चन आपका हो चुका है तो अलग अलग सेट में होगा इसलिए इस तरह के दिख गए। चलो कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देते जाइएगा, सुनते जाइएगा और हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। हाँ जी देखो, इसके क्लियर फोटो आएगा तो मैं उनकी वीडियो डाल दूंगा, इस वीडियो को हटा दूंगा, देखिएगा क्या होता है देखते हैं, या फिर हम लोग इसको टाइप कर लेते हैं और आपको दे देते हैं। फिलहाल अभी टाइम का इश्यू था इसलिए मैं अभी तुरंत तुरंत फटाफट आपको वीडियो देना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं, अभी तुरंत वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? फिर एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि K3Cr C2O4 3, इसका IUPAC में नाम बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, संपर्क और ओस्टवाल्ड विधि में प्रयुक्त तो उत्प्रेरक का नाम लिखना है। संपर्क विधि में और ओस्टवाल्ड विधि में आपको जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो बताना है आपको कि कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। फिर देखें कुछ बड़ा क्वेश्चन जिसमें 3 × 5 यानी कि तीन नंबर का, यहां पर पांच नंबर का क्वेश्चन होगा, तीन क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखें, एक प्रश्न है, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, आदर्श तथा अनादर्श घोल क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें, आप कैसे जानोगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यह बताना है आपको। पहले वाले में क्या लिखा, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क्स का, और यहां पर दूसरा लिखा हुआ है, अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित करें, आप कैसे जानेंगे कि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, यह बताना है। 2 क्वेश्चन बताना है इस जगह पे। चलें, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जितना भी क्लियर हो सके हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जैसा हमारे पास फोटो आया है मैं वैसे डायरेक्ट बता रहा हूं, क्योंकि इसको टाइप करने में टाइम लग जाएगा, सो हम इतना टाइम नहीं है इसलिए आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये मिल जाए, कुछ नया क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाए। अच्छा, ये क्वेश्चन हो चुका है, एल्यूमिनिया के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों डाला जाता है, ये सारे क्वेश्चन हो चुका है, मैंने शुरू में बताया था इसको। अब प्रश्न देखें, कुछ एमसीक्यू है, बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? ए लिखा हुआ है C6H5, बी लिखा हुआ है C6H6 जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, सी लिखा हुआ है C6H12 और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद देखें, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मिथॉक्सीमीथेन का फॉर्मूला है, मिथॉक्सीमीथेन का सूत्र है, मिथॉक्सीमीथेन, ए लिखा हुआ है CH3OCH3, बी लिखा हुआ है CH3COCH3, मिथॉक्सीमीथेन बेटा, इसमें ए लिखा हुआ है, अगर यहां पर साफ नजर ना आ रहा है तो मैं आपको लिख दूं CH3
OCH3, बी है CH3, COCH3, सी लिखा हुआ है C2H5O CH3, और डी लिखा हुआ है C2H5CO CH3। तो इनमें से कौन सा है आप बताएंगे मिथॉक्सीमेथेन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर दोबारा मैं अगर बोल रहा हूं तो कर देता हूं, Fe, जिंक, Cu और Mg। हां प्रश्न है, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। इनमें कुछ ऑक्साइड के नाम लिखे गए हैं, वात्य भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा ऑक्साइड है जिनका हम अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ए आयरन का ऑक्साइड, बी कॉपर ऑक्साइड, सी सोडियम ऑक्साइड और डी है जिंक ऑक्साइड। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसान है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इसको पढ़े हैं आपने। चलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी पढ़े हैं और चैप्टर नंबर आपने 6 में भी पढ़े हैं। चलो कुछ और भी एमसीक्यू है, इनको देख लें। एल्केनल में इसका उच्चारण दे दूं, एल्केनल स्पेलिंग है ये, एल्केनल का सामान्य सूत्र है, यहां पर लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है CnH2n+1O, बी लिखा हुआ है CnH2nO, सी है CnH2n-2 और डी लिखा हुआ है CnH2nO2। तो इनमें से कौन सा एन के एल्केनल का सामान्य सूत्र या यूं कह सकते हैं जनरल फॉर्मूला। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश है COOH, डैश नहीं बोला जाता, हम बोल दिए अलग बात। चलिए COOH ग्रुप के अलावा एमिनो ग्रुप में पाया जाता है, COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है, क्या एमिनो एसिड में पाया जाता है क्या। ए OH, बी NH2, सी CO और डी है, उन्होंने कहा है कि एमिनो एसिड में COOH के अलावा पाया जाता है, COOH भी पाई जाती है एमिनो एसिड में, और क्या पाया जाता है एमिनो एसिड में, यही बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन देना है आपको, जवाब देना है आपको। चलें एक प्रश्न और है हमारे पास, वो ये है, अभिक्रिया N2+3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन NH3+Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अगर ये रिएक्शन है तो ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ए अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा, बी अमोनिया का उत्पादन घट जाएगा, सी अमोनिया के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये है क्वेश्चन, और देख लेते हैं। हाँ जी एक क्वेश्चन और देखें, कुछ एमसीक्यूज और बच गए हैं, देखें यहां पर लिखा हुआ है कीटोन R CO R- का अपचयन LiAl H4H2O से कराने पर क्या बोलते हैं। यहां पर है कीटोन का अपचयन इनके साथ कराने पर क्या प्राप्त होगा। ए प्राइमरी अल्कोहल, बी सेकेंडरी अल्कोहल, सी टर्शियरी अल्कोहल और डी लिखा हुआ है एल्केन। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल या एल्केन प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, प्रश्न है HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है, HCP
इकाई सेल में, एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ए है 4, बी है 6, सी है 12 और डी है 7। आप इनमें आप बताएं, कोशिश करें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कर, जैसा क्वेश्चन आपके पास आया है मैं वैसे ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं आपको बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं। अगर आपको थोड़ी परेशानी हो रही है तो जो बोल रहा हूं उसको आप नोट करके भी एक बार देख सकते हैं। चले, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? ये तो हो चुका है आपका। हाँ जी, एक क्वेश्चन और यहां पर देखें कुछ नया। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता? ए चीनी के घोल में, बी सोने का कोलाइडी घोल में, सी है सस्पेंशन में और डी है इमल्शन में। किसमें टिंडल इफेक्ट नहीं पाई जाएगी? ए चीनी के घोल यानी शक्कर का सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन में, बी गोल्ड कोलाइड में, सी सस्पेंशन में और डी है इमल्शन में। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, जैसा क्वेश्चन है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, यहां पर क्रियाशील मूलक का मतलब यहां पर हुआ क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। तो ए है CO, बी है CHO, सी है COOH और डी है OH। चलिए, इनमें कौन सा होगा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? नेक्स्ट है, एक प्रश्न है, NiCO4 ऐसा लिखा हुआ है, इसमें निकल का Ni की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। ए है 0, बी है 2, सी है 3 लिखा हुआ है और डी है 4। इनमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये बताना है। फिर प्रश्न आता है, परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है या व्यक्त होते हैं? ए लिखा है P = CRT, बी लिखा है P = CT/R, सी लिखा हुआ है P = RC/T और डी लिखा हुआ है P = RT/C। तो चलिए जवाब दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है आपके पास और ये लास्ट क्वेश्चन था आपके पास। अगर किसी और स्टूडेंट के पास अच्छे से पिक्चर होगा तो जरूर भेजिएगा ताकि मैं डायरेक्ट दिखा सकूं, अगर नहीं तो अगर किसी बच्चे को यह लगता हो कि इनके डिटेल में अच्छे से उनको जवाब दें या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको अगर पूछना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन भेज दें ताकि उस क्वेश्चन का मैं यहां पर डिटेल या उसका आंसर आपको दे सकूं, या सभी का आंसर अगर चाहते हैं तो नीचे भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सबका आंसर हमें दीजिए सर, ताकि हम अपने आंसर जो बनाए हैं उसका जवाब दे सके। तो मैं इनके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा और उनको आप देख लीजिएगा। सो ये है बिहार बोर्ड का आज जो क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया था वह क्वेश्चन पेपर। तो इस क्वेश्चन को आप देखें और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं, और जो बिहार से जो स्टूडेंट है वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो आप सबको आज के एग्जाम अच्छा गया होगा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन भी आसान था और आप जब शुरू से पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके क्वेश्चन पेपर भी काफी आसान है और आने वाले टाइम आपके लिए आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, यही मैं मनोकामना करता हूं। और आज ये क्लास यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।